कतर नहीं बोलते हैं खतर होता है आदमी तो रोम जो है ना सिटी बहुत पुरानी है वहाँ पर सड़कें बहुत छोटी हैं गाड़ियां वहां पर बहुत थकी हुई हैं ट्रैफिक रूल्स वहाँ पर फॉलो नहीं होते हैं खटका मार के फिश देख मेरे को देख वहाँ पे गए जहाँ पे बैली डांस वगैरह हो होता है हाँ तो जिसकी ए टी का जोन होगा तो वो एक की स्पीड पर बखा रहा टैक्सी ड्राइवर सत श्रीकाल जी सारु की हाल चाल तो ये हमारा पता नहीं चौथा पत्नी पाँचवा टेक है हमारी प्रोडक्शन का जो कंपनी है कंपनी के जो बंदे हैं आज है। बंदे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं कुछ ज़्यादा अच्छे से कर रहे हैं तो सीन ऐसा है कि ये हमारे तला भाई ये हमारे भाई हैं वापस पूरी दुनिया घूम के मतलब आधी दुनिया घूम के ऑस्ट्रेलिया वापस दो महीने के बाद ठीक है तो आज इनका एक्सपीरियंस पूछेंगे तो वो ज़्यादा लंबा मत खींच वो जो एयरलाइन वाली बातें कर रहा था सीधा क्लियर कट ओके पहले नमस्ते सत्या बुलाते सबको सलामैकम सा हाँ ठीक है पहले तो हमें यार सबको बता दो कि खर्चा कितना है आप पहले बताओ देखो मैं बता देता हूँ कि भाई ना कुछ तो कंट्रीज घूम के एक तो दुबई वाली सीन घूम के आए अभी भी कम टू तो दुबई कम टू दुबई वहाँ भाई को जाके बहुत गरीब फील हुआ ठीक है तो आप पहले ना खर्चा बता दो पहले बताओ, पहले बताओ कौन कौन सी कंट्री गए हो पहले वो बता दो ओके ये पिछले वाले वीडियो में भी कवर कर रहे थे अपन लेकिन सिंपल में मैं आपको बताता हूँ ऑस्ट्रेलिया से दुबई दुबई से यूरोप यूरोप से इंडिया इंडिया से ऑस्ट्रेलिया ठीक है अगर यूरोप में पांच कंट्रियाँ थी, आ, यूरोप में इटली ऑस्ट्रिया लातविया एस्तोनिया फिनलैंड ओके अब खर्चा बताओ कितना हुआ मतलब मेन जो खर्चा वो किस चीज़ पे आता है अगर हम ऑस्ट्रेलिया से जाते हैं मेन खर्चा सबसे बड़ा आता है फ्लाइट्स उसके बाद आता है अकोमोडेशन ओके तो आपका मतलब टोटल कितना खर्चा आया टोटल खर्चा अराउंड नाइन थाउजेंड डॉलर पर पर्सन ओ भाई मतलब इंडिया के कितने साढ़े चार पाँच लाख रुपए यस ये नॉट बैड और ये सब आपने खुद से मैनेज किया इसके अंदर और अगर कंजूसी से जाते तो शायद छः हज़ार के अंदर हो जाता हुँ. लेकिन कंजूसी में जाओगे तो मज़ा नहीं आएगा तो वी वी स्पेंड सम मनी फॉर एक्सपीरियंसिस इन दुबई ओके और यूरोप में भी टिकट्स के लिए और हम लोग अच्छे से एक रेस्टोरेंट पर गए तो जहाँ पर ज़्यादा खर्चा हो गया तो ऐसी चीज़ें आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है तो वो चीज़ अगर आप करोगे तो महंगा होएगा इससे कम में भी हो सकता है लेकिन बोलो दुबई आप पहली बार गए जिंदगी में या पहले भी गए हुए हो दुबई में बहुत पहली बार गया हूँ बहुत पहली बार गया हूं या बहुत बार पहले भी गया हूँ एकदम पहली बार गया हूँ बहुत पहली बार नहीं होता फिर वो पहली बार ही होता है yes. यस ठीक है कैसा लगा आपको दुबई दुबई के फर्स्ट इम्प्रेशन ये थे कि एक तो हमारी कम्यूनिटी का उधर स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है दुबई में मतलब 80 परसेंट इंडियन नेपाली और पाकिस्तानी और ये सब देसी कम्युनिटी है आपको एकदम घर जैसा फ़ील होता है खाना आपको सब कुछ मिल जाता है बिंदास मैं गया उधर छोले वो खाया मैं छोले पूरी और फिर दूसरे दिन बिरयानी ये सब तो हर चीज़ अपनी मिल जाती है तो कोई उसमें ऐसी बात नहीं है इम्प्रेशन के वाइज लेकिन हाँ बढ़िया बना हुआ है ओके okay. तो मतलब वहाँ पर आप कहाँ कहाँ घूमे मतलब क्या एक्सपीरियंसिस किए आपने तो मेरा जो टूर था वहाँ पर था छः दिन का तो उसके हिसाब से जाते ही एक तो प्रॉब्लम यह हो गई थी कि आ, मैंने ज़्यादा टाइम चाइना सदरन एयरलाइन लिया था जिसके अंदर मेरे एक दो बैग थे मेरे पास तो एक बैग वो लोगों ने दुबई में दे दिया और दूसरा बैग चाइना में ही छोड़ दिया तो उसकी वजह से मेरा एक दिन वेस्ट हो गया था दुबई में बिकॉज ऑब्वियसली कपड़े अगर नहीं है क्योंकि वो चीज़ वो वाले बैग में सादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी तो वो वाला उधर ही रह गया तो हमको पता नहीं चला तो फिर एयरपोर्ट के दो चक्कर हो गए दूसरे दिन जाके हम लोग वो फिर पिकअप किए तो आ, उसकी वजह से थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया आ, लेकिन ओवरऑल दुबई में जो मेन मेन वो है इंटरेस्ट की चीज़ें एक तो सिटी टूर है ठीक है सिटी टूर में क्या है दुबई का सी बी एरिया उसके अंदर बुर्ज खलीफा दुबई मॉल और फाउंटेन शो होता है उधर तो वो सब एक दिन आप स्पेंड करोगे दुबई मॉल में बढ़िया सा आप खाना वाना इंजॉय करो इन्जॉय पूरा हो जाता है उसमें तो अराउंड हमने फर्स्ट दिन ही करीब पंद्रह सौ द्रम हमने स्पेंड कर दिया था फर्स्ट दिन ही कितने होते हैं मतलब इंडियन रुपए में पंद्रह सौ द्रम होते हैं भाई तीस या पैंतीस हज़ार नहीं हाँ तीस पैंतीस हज़ार रुपये होते हैं ठीक है मतलब अकेले ने कि तीन लोगों ने आ, हाँ तीन लोगों ने यस ओके okay, फिर मतलब वही ठीक है फिर तो ज़्यादा बुरा नहीं है तो आप वो फ्रेम वगैरह पर भी चढ़े और वो जो सब फ्यूचर वाला सिस्टम दुबई में ये है कि हर जगह टिकट्स हैं तो ओके okay. ये आपका पर्सनल बजट के ऊपर है कि भाई क्या आपको ये चीज़ करनी चाहिए जैसा अभी बुर्ज खलीफा का मैं आपको बता दूँ ऊपर जाने के लिए दो सौ धरम है ठीक है अगर ऊपर नहीं जाना है ऊपर से और ऊपर जाना है तो फिर दो सौ धरम की जगह तीन सौ दरम तो ऐसी हर जगह जगह टिकट्स है तो दुबई फ्रेम में भी टिकट थी आ, उसकी टिकट आई थिंक सेवेंटी दिरम थी तो मैं बोला कि भाई ऊबर से देखने के लिए भी वही चीज़ें हैं वाला छोड़ो तो हम लोग बाहर से देख के आ गए ठीक है मेरे को पहले तो वो कन्वर्जन बता दे कि एक दिरहम कितने रुपए का होता है बीस रुपए का होता okay, है ओके ठीक है मतलब अगर तुम दो सौ द्रह लगाए तो दोती हैं छः छः हजार रुपये की एक टिकट है ना हाँ ठीक है फिर तो यार मतलब ऑस्ट्रेलिया से महंगा है इस हिसाब से क्योंकि हमारे अगर क्यूबन बिल्डिंग वगैरह में चढ़ते हैं तो तीस तीस डॉलर में हो जाता है नहीं हाँ उधर बहुत लूट है क्योंकि एक तो क्या है दुबई में कुछ ऑडियंस जो आती है वेस्टर्न कंट्रीज से आती हैं तो कुछ चीज़ें क्लियरली वेस्टर्न डॉलर वाले लोगों के लिए बनी हुई है तो वो लोग लूटते बहुत है उधर पूरा डॉलर का रेट होता है वन टू वन क्या दिक्कत होगी अरे गुज़रा नीचे वो तुम बात नहीं करो यार अरे उसको थोड़ा पीछे कर लेना उसको नहीं कहाँ गुसरा नीचे नहीं, 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 नहीं बराबर ए प्रोडक्शन वाले भैया करो छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हाँ तो सीन ऐसा हो कि हमने इधर जोले लटका दिए जो आपको फ्रेम में नहीं दिखेंगे क्योंकि हमारे माइक थोड़ा सा नीचे जा रहा था तो भाई बता रहे थे वो फ्रेम वाला सीन तो दुबई वाला हाँ तो बताओ तो वही है कि दुबई में बहुत जगह टिकट्स हैं तो ये अपना पर्सनल कॉल है कहाँ पर जाना है अगर हर जगह टिकट लेते बैठोगे तो आपका बजट बहुत ऊपर चला जाएगा क्योंकि वो सारी चीज़ें डॉलर के हिसाब से बनी हुई हैं मतलब आपको क्या ऐसा मतलब जो जैसे आप दुबई में घुसे आपको मतलब ऐसी कौन सी चीज़ लगी जो बिल्कुल चौंग है के कि मतलब यार ये मज़ेदार चीज़ है कुछ ऐसा बुर्ज खलीफा अरे ठीक है बुर्ज खलीफा सबसे हर जगह से दिखता है लोग बोलते हैं हमको बुर्ज बुर्ज व्यू बुर्ज व्यू लेकिन बुर्ज खलीफा इतना लंबा है कि शहर के हर एंगल से आपको बुर्ज खलीफा दिख जाएगा और आपको क्या अजीब लगा मतलब कुछ ऐसा अच्छा बुरा आपने मतलब क्या देखा अच्छा बुरा ये है कि एक तो सरप्राइजिंग चीज़ ये थी कि वहाँ के जो रूल्स हैं और जिस तरह से रोड्स बनी हुई हैं वेस्टर्न कंट्री स्पेशली ऑस्ट्रेलिया से बहुत सिमिलर है ठीक है उनके साइन बोर्ड्स भी सिमिलर एंगल में बने हुए हैं जितने में ट्रैफिक के रूल्स होते हैं Uh, अभी इसके अंदर मेरे को सरप्राइजिंग ये लगा क्योंकि हम लोग जब टैक्सी लिए तो टैक्सी में वो लोग लो स्पीडिंग बहुत कर रहे थे तो अब जिसकी किधर एटी का जोन होएगा तो वो 120 की स्पीड पे भगा रहा टैक्सी ड्राइवर तो हम लोग का एक ड्राइवर था ठीक है हम लोग एयरपोर्ट से ले ले गए तो वो बंदा भगा रहा है ठीक है मस्त भगा रहा है और उसको उसका स्क्रीन हम लोग को विजिबल था क्योंकि उसके स्क्रीन मतलब फ़ोन लगा हुआ रहता ना तो उस पर उसके ओनर मैसेज कर रहा था कि यू विल बी फाइट स्टॉप स्पीडिंग अच्छा पर वही है ना कि यार उधर तो फाइन्स भी बहुत महंगे हैं मैंने आ, सुना उनको है। पता होगा ना कहाँ पर है कैसे बचना है आ, ये भी सीन है तो और मतलब आपने कुछ खेल कूद वगैरह कुछ ऐसा अच्छा, वो वहाँ पे गए जहाँ पे बैली डांस वगैरह हो होता हाँ तो हम लोग आई थिंक थर्ड डे के दिन हम लोग एक डेजर्ट सफारी बुक करे थे डेजर्ट सफारी में क्या होता है कि वो होटल से आपको पिक करते हैं होटल से पिक करके आपको पहले ड्यून बैशिंग के लिए लेके जाते हैं ड्यून बैशिंग ये होती है कि आपको एक फोर व्हील जो कार है उसके अंदर आपको बिठाया जाता है अगर आप ज़्यादा पैसे दो तो प्राइवेट करेंगे मीनिंग आपके ही लोग रहेंगे अगर आप कम पैसे दो तो आपको शेयरिंग में लेके जाते हैं जैसा कि वहाँ पर कोई और दूसरे टूरिस्ट भी आपके साथ रहेंगे तो वो कह रहा था कि उधर जब आपको डेजर्ट में लेके जाते हैं फिर वो लोग वो करते हैं स्टंट्स वगैरह करते हैं तेज़ भगाते हैं मतलब जो भी डून बैशिंग का सिस्टम होता है वो जो सिस्टम है पंद्रह से थर्टी मिनट्स तक होता है वो थर्टी मिनट्स के बाद वहाँ से आपको लेके जाया जाएगा एक कैंप पे तो कैंप पर लेके जाया जाएगा जहां पर वहां पर एटीवी जो गाड़ी होती है ना जो चार टायर वाली तो वो चार टायर वाले उनकी गाड़ी के एक्स्ट्रा कॉस्ट है तो मैंने तो किया नहीं क्योंकि उसके अंदर सेफ्टी का इशू होता है आ, क्योंकि फिर वहाँ पर हेलमेट वगैरह तो देते नहीं वो लोग कुछ भी ऐसे भगाना होता है तो रिस्क है तो इसके लिए मैंने तो किया नहीं लेकिन बहुत लोग कर रहे थे तो उसका जो कॉस्ट था डेढ़ सौ धीरम था पर पर्सन और अगर दो लोग बैठेंगे तो दो सौ धीरम मतलब दो लोग बैठेंगे इन द सेंस एक ही गाड़ी पे पीछे एक और बंदे को बिठा के तो वो वाला सिस्टम था तो वो उधर उसके लिए एक घंटा आपको छोड़ देते हैं ठीक है चार बज गया पाँच बज गया उसके बाद छः बजे से कैंप चालू होता है कैंप में क्या होता है कि एक छोटा सा कै क्या, मतलब कैंप होता है जिसके अंदर सेंटर में स्टेज बना होता है जहाँ पर परफॉर्मेंसेस होंगी और साथ में बफे बाबी की बफे डिनर का सिस्टम होता है बाबी की बफे में क्या है सारा आपने इंडियन खाना नूडल्स चाइनीज सब जो जो भी है सब वहाँ पर बफे में से होता है जो कि फ़्री होता है अपना इंक्लूडेड होता है कॉस्ट उसका।, उसका उसके बाद आपने आपको एक जगह एलोकेट कर देते हैं कि यहाँ पर आपकी सीट्स हैं तो वहाँ पर आप जाके बैठ जाओ अपना जाओ खाना ले लेके आओ बिंदास छः से आठ बजे के बीच में वो बफ़े खुला रहता है और परफॉर्मेंसेज चालू हो जाती हैं परफॉर्मेंस में एक होता है वहाँ का खनोरा डांस जो एमरेट्स का होता है और दूसरा एक फायर शो होता है जहाँ पर वो लोग एक तो फायर के साथ खेलते हैं और वो मतलब जो कुल्लू में मार वो सारा कुछ सिस्टम होता है उसके बाद होता है बेली डांसिंग तो ये ये परफॉर्मेंसेस के बाद आपका शो एंड हो जाता है उसके बाद आपको वहाँ से पिक कर करके फिर वापस ले जाके होटल पे छोड़ देते हैं तो ये जितना जो एक्सपीरियंस है ना ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है क्योंकि 200 सौ धरम में 200 सौ धरम इस चार हज़ार रुपये चार हज़ार रुपये पर पर्सन समझो दो सौ धरम में आपको घर से पिक भी कर रहे हैं आपका पूरा डे स्पेंड हो रहा है आपको कोई टैक्सी के खर्चे नहीं लगने कोई आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा नहीं लगना आपका पूरा दिन मस्त स्पेंड हो जाता है ये पैसा वसूल है खाना भी देते हैं खाना भी दे रहे हैं और लड़कियाँ भी ना चलिए सामने यस yes. तो वो जो लड़कियाँ होती हैं जो परफॉर्मर्स होती हैं वो मतलब वो लोकल होती हैं कि कहाँ की होती हैं इधर उधर की होती हैं इधर उधर की होती हैं वो है। लोकल नहीं होती जैसा अभी आई थिंक बेली डांस में मोरक्कंस हैं आई थिंक इजिप्शियंस ये अलग अलग कंट्रीज़ के होते हैं और दुबई का यही ख़ासियत है कि दुबई में लोग बोलते हैं कि दुबई के लोग दिखते ही नहीं है तुमको है जो होते हैं बहुत कम परसेंटेज में है एट्टी से नाइन्टी परसेंट वहाँ पर एक्सपर्ट्स रहते हैं जो बाहर से लोग या तो जॉब करने के लिए आए हैं बिजनेस करने के लिए जो भी करने के लिए हैं तो वहाँ पर लोकल आदमी तो आपको दिखेगा ही नहीं ओके okay. तो आपने वो महंगी वाली गड्डियाँ देखी जैसे फ़रारी मकलर वगैरह घूम रही हो ऐसी नॉर्मल कुछ कुछ एरियाज़ हैं जैसे मरीना मरीना बीच करके और सिटी के पास जहाँ पर दुबई मॉल वगैरह है तो वहाँ पर आपको गाड़ियाँ दिख जाएंगी जी वैगन फरारी ये सब तो हाँ है ओके okay. अगर मान लो इन फ्यूचर आपको लगे कि वहाँ मूव होना है मतलब परमानेंट मूव होने का तो कैसा मूव हो जाओगे क्या दुबई मस्त है अगर आपके पास पैसा है ओके okay. मतलब अगर आपके पास एक दो मिलियन डॉलर है हुँ. तो एक तो आप इन्वेस्ट करके गोल्डन वीज़ा ले सकते हो तो आपने अगर अपनी गोल्डन वीज़ा ले लिया था देन यू कैन लिव देर परमानेंटली के अलग एडवांटेजेज़ भी हैं ठीक है आपकी प्रॉपर्टी आ गई आपके पास पैसा है तो दुबई में कॉस्ट ऑफ़ लिविंग जो नॉर्मल चीज़ों के लिए बहुत कम है वेस्टर्न कंट्रीज से कंपेयर करो जैसा फूड डिलीवरी आपको मिल जाती है आपको टैक्सी मिल जाती है टैक्सी के कॉस्ट ये वो जो नॉर्मल चीज़ें हैं क्योंकि वहाँ पर बेसिक जॉब्स की सैलरी कम है तो वहाँ पर ऑब्वियसली कॉस्ट कम है उनके लिए तो वो चीज़ आपके लिए फ़ायदा है अगर आप पैसे वाले हो तो आपको हर वो चीज़ फैसिलिटी मिल जाएगी अगर पैसा नहीं है तो फिर आप स्ट्रगल करोगे क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में एज ए जॉब ज़्यादा पैसे मिलते हैं कंपेयर टू दुबई के बाद आप गए यूरोप में ठीक yes. है तो मतलब मेरे को ये पता चल पहले दुबई का कि कुछ ऐसा तर को बिल्कुल लगा कि यार ये तो मतलब मज़ा नहीं आया जिस चीज़ में बिल्कुल चल एक मजे वाली तूने चीज़ बता दी वो वहाँ से उठाते हैं और दिखाते हैं सबसे फद्दू चीज़ क्या लगी सबसे फुलद्दू चीज़ मेरे को लगा ओवर रेटेड मेरे लिए पर्सनली ये सबका अपना अपना ओपिनियन है लेकिन मेरे को जो एक्वेरियम का जो सिस्टम था ना, ना दुबई मॉल में एक्वेरियम अंडर मतलब सी वर्ल्ड टाइप रहता है वो हाँ तो वहाँ पर पेंगुइंस वगैरह और एक तो एक एनिमल क्रोल्टी के हिसाब से भी वो चीज़ अच्छी नहीं है कि भाई फिशेस वहाँ पर रखे हुए हैं और उसको जाके पब्लिक उंगली कर रही है एक मैं देखा उधर एक छोटी सी फिश थी जिसको वो लोग एक्वेरियम से निकाल के बाहर रख रहे थे ताकि लोग उसको टच करें तो वो टच टच करके उसको उंगली कर रहे हैं वो सो रही है फ़िश क्या है पता नहीं तो ये चीज़ अच्छी नहीं है क्योंकि ये बस आप डिस्प्ले के लिए वो दिखा रहे हैं पेंगुइस को आपने एक एक उसमें लॉक कर दिया क्योंकि उनकी वो मतलब एक हिसाब से केज है भाई जू है वो तो वो तो अच्छी चीज़ नहीं लगी उतनी और कुछ लोग जो तो उसको इन्जॉय करते हैं जाके और जब और स्पेशली रूल्स फॉलो नहीं करते हैं जैसा अभी कुछ वहाँ पर लिखा हुआ है एक्वेरियम पे प्लीज डोंट लीन ऑन ऑन द ग्लास ग्स हाँ। ठीक है ग्लास पे लीन मत करो या फिर इसके ऊपर तो लेकिन पब्लिक सुनती नहीं पब्लिक जा रही है ग्लास है वहाँ पर रखी हुई वहाँ, वहाँ पर फिश है उसको खटका मार के फिश देख मेरे को देख भाई उनको क्या है भाई मतलब तो नहीं ये सोरी है फिश इसको उठाने में नहीं खुट उठ अरे भाई तेरे लिए बैठी हो

और नहीं ऑस्ट्रेलिया में आई थिंक क्या है रूल्स को फॉलो करते हैं जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर वो लोग लो नहीं करते हैं वो चीज़ अच्छी चीज़ है और वो चीज़ फॉलो करनी चाहिए सबको अंग्रेजी आती है ना जो इधर आते हैं पढ़ना आता है ना नहीं लेकिन वहाँ पर जो लोग खड़े हुए हैं वो भी रोक नहीं रहे हैं ओके ये जैसा भी कोई वहाँ पर खड़ा हुआ है जो दिखा रहा है सबको लेकिन पब्लिक जाके अगर हाथ डाल रही है बच्चे होते हैं भाई जिसके हाथ वाथ गंदे होते हैं वो एक्वेरियम खुला है वहाँ पर उसमें तुम हाथ डाल दो सारी मछलियाँ मर जाएंगी आ, ये ये तो नो इस तरह की चीज़ें मतलब तो वो चीज़ मेरे को दो सौ का वर्ड नहीं था इसके ऊपर एक और ये भी था कि सुवीनियर का सेक्शन था जहाँ पर वो ओवर प्राइस चीज़ें जो बेचते हैं उसमें से मैंने छोटी छोटी किचन्स वगैरह ली जो मेरे को फ्री मतलब पचास दरम के क्रेडिट मिल गए थे क्योंकि हम लोगों ने दो तीन टिकट ली थी तो उसके हिसाब से तो वो चीज़ अच्छी थी लेकिन वहाँ पर ओवरऑल जितना मेरे को लगा कि होगा

अरे पूछ रहा हूँ हाँ। भाई डकार तो मारने दे चाय पिए रात बिरयानियाँ खाइए हाँ तो आप हमें वो बताएं कि जब आप यूरोप गए तो यूरोप का क्या एक्सपीरियंस था मतलब मे हम लोगों के दिमाग में यूरोप मतलब बहुत हाई स्टैंडर्ड वाली चीज़ है तो तेरे को क्या लगा मतलब हम लोग जब दुबई से निकले दुबई का एक्सपीरियंस के बाद एक तो दुबई बहुत शाइनी है ठीक है बहुत अच्छे से एडवांस वो लो लोग डेवलप किए हुए हैं दुबई उसके बाद जो नेक्स्ट स्पॉट था वो था इटली ओके जो रोम रोम गए थे हम लोग तो रोम जो है ना सिटी बहुत पुरानी है वहाँ पर सड़कें बहुत छोटी हैं गाड़ियाँ वहाँ पर बहुत थकी हुई हैं ट्रैफिक रूल्स वहाँ पर फॉलो नहीं होते हम लोग एक टैक्सी लिए हैं जहाँ से बस मतलब एयरपोर्ट से उतरे बस पकड़े बस के बाद जो टैक्सी आई थी सेकेंड तो वो टैक्सी वाला बंदा वो चला रहा था तेज़ एकदम उसने तेज़ कर दी उसके बाद रॉन्ग वे में घुस गया मतलब, ये क्या हो रहा है यूरोप में मतलब मैं मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यूरोप में भी ऐसा कोई रॉन्ग वे या फिर कोई लेन तोड़ के करके निकल रहा है या फिर कुछ ऐसे हरकतें जो वहाँ पर ट्रैफिक बहुत ब्रेक होती है और खासकर मतलब रोम जैसी सिटी में जो बहुत बड़ी हो exactly. वो फेमस है उस पर यह टूरिस्ट सिटी और हमको आदत नहीं थी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से आए थे चलो इंडिया में फिर भी पता है कि स्पीड स्लो होती है तो उतना रिस्क नहीं होता जनरली uh, लेकिन उधर भी रिस्क है आ, लेकिन यूरोप यूरोप के हिसाब से ये शौकिन थी मेरे हाँ यूरोप ये किधर है हैं इससे इससे ज़्यादा इंडिया जैसी फीलिंग आ रही है एकदम <laughs> कि भाई ये वही छोटी और नेक्स्ट चीज़ ये थी कि वहाँ की जो गाड़ियाँ हैं ना सीडाइन गाड़ियाँ बहुत कम है उधर छोटी छोटी हैश बैग से भाई इतनी छोटी हैश बैग तुमको तो बड़ी ट्रकें तो दिखेगी नहीं मतलब वो स्पेस का कुछ तो लोचा होगा उनका पार्किंग पुर्किंग क्योंकि सिटी बहुत पुरानी है अब ऐसा तो है नहीं पूरी ढाके मतलब तोड़ के दोबारा से बनाए हाँ और कई रोड्स पे जो सिटी के पास में ना वो जो पत्थर वाली रोड्स होती हैं जिधर मतलब रोड नॉर्मल है, है। उसके ऊपर कार लेके चल रहा वाइब्रेट कर रही है गाड़ी ओके okay. मतलब खड़ंजा जैसे खंजड़ा होता हाँ, है 하루. क्योंकि वो पत्थर पत्थर वाली रोड है पथरी ओके ओके पथरी बिछाई हुई भी चाहिए ठीक है ठीक है तो वहाँ पे मतलब कितने इंडियंस आपको दिखे कि लगता है कि मतलब लोकल्स कितने थे ये सैड रियलिटी है इटली में कि एक तो मतलब वहाँ पर आई थिंक लैंग्वेज का इशू है कि मतलब इटालियन आपको सीखनी मतलब चाहिए फॉर uh, सर्वाइवल uh, क्योंकि नॉर्मल जॉब्स में कुछ जो रेस्टोरेंट्स हैं एक तो इंडियन रेस्टोरेंट्स में तो जॉब मिलेगी दूसरी मिलेगी जो टूरिस्टी लोकेशंस में जहाँ पर इंग्लिश कस्टमर uh, आएगा जैसा हम लोग रोम के पास एक इटालियन रेस्टोरेंट में गए जहाँ पर ऑथेंटिक इटालियन और वहाँ पर बहुत बड़ा रश था मतलब इतनी बड़ी लैंथ हमको तो एक घंटा सिर्फ टेबल के लिए लग जाएंगे तो वहाँ पर के जो वेटर्स थे वो इंडियस थे बिकॉज उनको इंग्लिश आती है और कस्टमर uh, से डील करना है इंडियन में और uh, इंग्लिश में डील करना है तो वो था तो वो मेरा इंप्रेशन था लेकिन उससे हट के मेरे को ज्यादा कुछ ड्राइवर्स वगैरह नहीं दिखे इंडियंस तो तू एक चीज बता रहा था जब हमारी बात हुई थी तूने बोला था कि वहाँ पे जो इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं तो वो उनको घर बार नहीं है उनके पास मतलब घर नहीं है सबके पास कुछ परसेंटेज के पास तो वो रोड पे थे और yes. वो तेरे को बोतल बोतल बेच रहे थे वो क्या सीन था रोम में जो एक बिजी सिटी है मेट्रोपॉलिटन सिटी है या लेकिन उसके हिसाब से भी मेरे को लगा कि अपॉर्चुनिटी की कमी है क्योंकि बहुत लोग मेरे को होमलेस दिखे और कई लोग अपनी जो कार्ट थी वो मतलब बंडी जैसी होती है ना जो कार्ट जिसके अंदर सामान बेच रहे हैं उसी में सो रहे हैं और कई लोग स्ट्रीट वेंडर्स दिखे जो कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम नहीं दिखते हैं भाई कोई बहुत भी कम है तो वहाँ पर वो इंडियन लड़का मेरे सामने आया तो वो बंदा था तो बोला कि इंडिया बोला यस तो वो पानी की बॉटलें बेच रहा था ठीक है तो पानी की बॉटलें ले लो भाई मैं बोला नीचे ही है तो बोलता है आई हैवंट ईटन लाइक टेक्स लाइक तो पाँच यूरो में ले लो तीन बॉटलें क्योंकि दो यूरो की एक बेच रहा था तो मैं बोला नहीं वो तो पाँच यूरो में तीन दे दूंगा मतलब प्लीज़ ब्रो करके ऐसा बोला तो मेरे को एकदम वो टच हो गया कि भाई यू नो कंडीशन क्योंकि आ, लेकिन वो ये अपॉरचुनिटी की कमी शायद वहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं लोग और वापस जाना उनके लिए मुश्किल होगा जो भी है क्योंकि पैसे लगा के आए हैं ना हाँ। सारे तो इसीलिए यार वही है ना कि अगर कोई स्टूडेंट है मेरे हिसाब से तो उधर का तो अपने लोगों को ज्यादा पता नहीं है पर ऐसे ऑस्ट्रेलिया है तुम तो इधर आके भूखे नहीं मरते हो मतलब काम कुम तुम तो लोगों को मिल जाता है और मेन बात है कि इंग्लिश जो बंदा इंडिया से अगर स्टूडेंट वीजा पे आ रहा है तो थोड़ी बहुत काम चलाओ इंग्लिश तो बंदा बोल ही लेता मिनिमम है ना तो उस हिसाब से मतलब ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ठीक है यू भी ठीक है जहाँ पे इंग्लिश बोलते हो आप तो कोई दिक्कत नहीं आती है तो और मतलब तेरे को क्या अलग लगा मतलब इटली में अच्छा ए, एक मेरे को ऑब्जर्वेशन ये है कि इटली के इटली तो बकवास है भाई मैं इटली रिकमेंड नहीं करूँगा किसी के लिए भी मतलब पता नहीं जो लोग रोमांटिसाइज़ करते हैं हाँ इटली ये वो मेरे विराट कोहली तो ने शादी करी है भाई क्यों खाएगा विराट कोहली शायद वो पता नहीं किधर गया था लेकिन रोम के इम्प्रेशन के हिसाब से मेरे को तो उतना ख़ास लगा नहीं बहुत थकी हुई सिटी है तो अभी नेक्स्ट इसके मैं गया ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया से यूरोपियन एक्सपीरियंस मेरे को एक्चुअली में दिखा कि भाई हाँ यूरोप में कितनी चीज़ें अरेंज होती हैं कितना वो लोगों ने बढ़िया से बनाए हुए हैं चीज़ें आपकी सिटी जहाँ पर रह रहे हो हर वो जगह आपके लिए वॉकेबल होती है और मेजॉरिटी लोग आपको दिखेंगे साइकिल चलाते हुए चल के जाते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हुए वहाँ पर गाड़ियों का बहुत कम है पार्किंग वगैरह का इतना नहीं है और पास पास में सिटी होती है कि आप अपने घर से निकलोगे वहीं बाजू में सब कुछ आपको मिल जाएगा ठीक है कोई उसमें जैसा अभी ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया में होता है कि आपने अपने अगर सबब में रह रहे हो तो सबब से आपको ग्रॉसरी भी लेनी है तो आपको कार निकालनी पड़ेगी कार लेके आप कोल्स की पार्किंग में जाओगे वहाँ पर गाड़ी लगाओगे फिर चल के अंदर बिल्डिंग में जा रहे हो फिर वहाँ से सामान फिर ट्रॉली है वो ऑस्ट्रेलिया में चीज़ें दूर दूर है बिल्कुल सी बी डी में रहते हो तो सी वालों के लिए भी पास नहीं है उनको भी चलना बहुत पड़ता है तो उस, उसके हिसाब से यूरोप में ये एडवांटेज है कि आपको वॉकेबल सिटीज़ हैं और उनकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत बढ़िया है भाई अगर ट्रेन स्टेशन पे जब जाओगे ना हर दो तीन मिनट में नई ट्रेन मिल जाएगी तो वहाँ भी भी मतलब जैसे अपने इधर बनता है जैसे गो कार्ड हो गया ओपल कार्ड हो गया मेट्रो कार्ड हो गया वैसे बनते कोई कार्ड वगैरह हाँ वहाँ पर ऑस्ट्रिया में हम लोगों ने ट्वेंटी फोर आवर का पास ले लिया था तो okay. वहाँ पर मशीन लगी हुई है मशीन में आप जाओ वहाँ एंटर करो हाँ मेरे पास तो वहाँ पर आएगा कि आपको एक टिकट चाहिए या ट्वेंटी फोर आवर पास चाहिए या आपको फोर्टी एट आवर पास चाहिए तो अगर आपने मतलब एक ही दिन रुकना है वहाँ पर ट्वेंटी फोर आवर्स पास लिया वो लिया आपको किसी को दिखाना नहीं हाँ अगर कोई चेकिंग हो गई तब उनको बताना पड़ेगा अपने पास लेकिन वो निकाला आपने वैलिडेट किया और अपने वॉलेट में रख लिया ख़त्म अभी आप कौन सी भी ट्रेन लो आप तो, कहीं भी जाओ टैप भी करना पड़ता है टैप वैप नहीं अच्छा जस्ट मतलब वो वर्चुअल है कि तुमने ले लिया बस वो बात की बात है कुछ जगह है जैसा ऑस्ट्रिया में जो एक कैट करके ट्रेन थी उसको बोलते हैं सिटी एयरपोर्ट ट्रेन तो वो वाली ट्रेन क्या बढ़िया ट्रेन थी भाई यार वो मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया वाली भी ठीक है पर जैसे जब अब दिल्ली में जाओ ना जो एयरपोर्ट को जाती है जो मेट्रो वो भी ब्रो बहुत सुंदर है इसमें इसमें कैसा था कि एयरपोर्ट से हम लोग निकले तो वहाँ पर हर जगह ऐड लगे हुए तो थे सिटी एयरपोर्ट ट्रेन सिक्सटीन यूरो नॉन स्टॉप तो ठीक है सिक्सटीन यूरो ओके तो वहाँ पर मशीन लगी हुई थी हम लोग गए तो वहाँ पर टैप किया भाई भाई यूरो ओके मारा कार्ड टैप किया उसमें से छी निकल गई तो निकली वो ले लेके गए और जो ट्रेन उन लोगों ने बनाई है भाई पूरा एयर मतलब प्लेन वाली फीलिंग उसके अंदर सारे लगे हुए हैं स्क्रीन लगी हुई है, हैं उसके अंदर वाईफाई आपको ट्रेन में मिल रहा है उसके अंदर आपको पूरा वो बताएगा कि भाई कितना अभी बचा बचाव एक ही स्टॉप है और चार्जिंग के प्लस लगे हुए हैं और अपना लगेज रखने के लिए अलग सेक्शन बना हुआ है अपना लगेज जिसके अंदर आप लोड कर दो तो बहुत फैसिलिटी बहुत अच्छी है भाई ओके और ट्रेन पूरी खाली थी ऐसा नहीं कि धक्का मुक्की कर लेते आ रहे बहुत खाली थी ट्रेन तो बिंदा से एक ही उसमें आप पहुँच जाओ सिटी में ला कर छोड़ता है सिटी में फिर आप कहीं भी जाओ अंडरग्राउंड टनल में ट्रेन जाए ओके चल जैसे अभी तूने बोला कि वो तू कार्ड वगैरह जो भी था तुम लोग पे कर रहे थे मेरे भी इसी बता दें तू ऑस्ट्रेलिया से गया तूने करेंसी चेंज करवाई थी यूरोप के लिए या दुबई के लिए या किसी के लिए या तूने कोई ऐसा कार्ड बनवाया था जो डायरेक्ट चल गया वहीं तो मैंने दो भी किया क्योंकि कार्ड का कभी भी भरो मैं पर्सनली उतना मतलब करता हूँ कि थोड़ा बहुत अपने पास कैश हो ताकि अगर कोई ऐसा सरकमस्टेंस आ जाए जहाँ जा पर आपको थोड़ी टिप करनी पड़ जाए या फिर कोई भी चीज़ कैश में लेनी पड़ जाए क्योंकि स्ट्रीट वेंडर्स या फिर कुछ भी ऐसे हो तो कैश लेते हैं तो उसकी वजह से मैंने क्या किया था थोड़े पाँच डॉलर मैंने यूरो करवा लिए थे पाँच डॉलर मैंने इंडियन रुपी करवा लिए और पाँच डॉलर मैंने गिरम करवा लिए थे तो वही वैसे मैं जिधर भी मौका मिला मेरे को तो उसी में से मैं निकाल के टिप दे रहा हूँ उसी में से निकाल के मैं खाने के लिए दे रहा हूँ क्योंकि रेस्टोरेंट्स में ये वो वो ठीक तो है वो मैं फायदा था उसकी बात कर रहा हूँ कि जैसे जो हमारे इधर ऐसे कॉम बैंक का कार्ड है एनजे का है कोई वेस्ट पैक का वहाँ चल जाते हैं ऐसे नॉर्मल मास्टर कार्ड वीज़ा कार्ड सारे वीज़ा कार्ड चल जाते हैं सारे मास्टर कार्ड चल जाते हैं जनरली लेकिन उसके प्रॉब्लम यह होता है कि बैंक पर डिपेंड करता है कि आपको ट्रांजेक्शन फीस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं तो मैं एक अप बैंक करके है यूपी अब ठीक है वो बैंक का मैं कार्ड यूज़ करता हूँ जिसके अंदर नो फॉरन ट्रांजेक्शन एंड नो ए टी एम विदड्रॉल फी ओके okay. तो वो ऑनलाइन बैंक है ऑनलाइन बैंक है वो ठीक है वैसे एक अलग वो भी आते हैं रेवोल्यूट करके एक है के कार्ड में आप मल्टीपल करेंसीज लोड करके लेके जा सकते हो लेकिन मैं मैं बोलूँगा कि अगर इंडिया इंडिया जा रहे हो तो कैश निकाल के लेके जाओ क्योंकि इंडिया में जो आपको करेंसी एक्सचेंज मिला जैसा मेरे को मिला था इंडिया में मैं डॉलर लेके गया था ठीक है

ऑस्ट्रेली ऑस्ट्रेलिया की तरह को सबसे बढ़िया चीज़ वो ट्रेन वाला सिस्टम लगा एक तो ट्रेन वाला सिस्टम उसके बाद वहाँ की सिटी बहुत खूबसूरत है ओके okay. बहुत कलरफुल एकदम वो लोग ऐसा देखने लगता है कि मूवी में आ गए जैसा रहता ना वो कौन सी मूवी थी जिंदगी ना मिले कि दोबारा हाँ हाँ। हाँ। और ये सब क्योंकि वहीं हुई है सारी शूटिंग है तो वो एक रहे और दूसरा खाना वहाँ पर बहुत अच्छा था ठीक है क्लीन खाना था और चलने के लिए जगह हवा ये सब ऑस्ट्रिया में टॉप टॉप क्वालिटी था और फुद्दू चीज क्या लगी सबसे ऑस्ट्रिया में ऑस्ट्रिया uh, में कोई चीज़ वो नहीं थी बढ़िया 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 था सब ओके okay, और उसके बाद तू कहाँ गया क्या सीन था उसके बाद मैं गया लातविया ओके okay. लातविया में क्या था बहुत छोटा मेरा स्टे था तो ज़्यादा हम लोग घूमे गिर नहीं बस वहाँ पर एक म्यूजियम वगैरह गए और सिटी में थोड़ा बहुत घूमे रिगा करके एरिया है लातविया में रिगा तो उधर गए थे तो बढ़िया था उधर भी लेकिन ज़्यादा टाइम रुके नहीं उसके बाद सीधा हम लोग चले गए एस्तोनिया एस्तोनिया में क्या है बर्फीला एरिया है ओके okay, तो बर्फ़ भी देख के हाँ अगर जिंदगी में पहली बार कॉन्ग्रेचुलेशन एस। एस्टोनिया और फिनलैंड जो है वो बर्फीले एरिए है वहाँ पर बहुत बर्फ भी पड़ती है और वहाँ पर एक ही है कि आपको अपने कपड़े में मतलब मल्टीपल लेयर पहनने पड़ते हैं वार्मर वगैरह जो होते हैं वो सब पहन के आप करना है बढ़िया सा ओके तो मुझे तेरे को क्या लगता है कोई बंदा ऐसे जैसे हम लोग हैं ज़्यादा दिन बर्फीले एरिया में रह सकते हैं कि नहीं हाँ रह सकते हैं कुछ नहीं मतलब कि मूव ही हो जाए तो ज़िंदगी टफ़ है जिंदगी तो यस क्योंकि उसमें वही होता है कि आप उबर नहीं कर सकते बर्फ में ये <laughs> गरीब इंसान पे आ गया हाँ। अरे ठीक है भाई भाई स्टूडेंट आपकी आपके कार के ऊपर वो जम जाएगी ना बर्फ हाँ दिमाग तो बहुत सही है आपको निकालनी पड़ेगी उसके टायर स्पेशल होंगे ये सब तमाशा तो मतलब तेरे को सबसे बढ़िया चीज क्या लगी हर सबसे बढ़िया हर जगह की तू बढ़िया चीज अच्छा एक और हाईलाइट में बताता हूँ एस्तोनिया में टालिन करके एरिया था वहाँ पर घोस्ट टाउन में हम लोग गए थे हाँ हॉन्टेड हा, हां, एरिया था और वो घोस्ट के पूरे उधर स्टोरीज़ वगैरह लिखे हुए रहते हैं बोर्ड्स पे कि भाई यहाँ पर ये, ये हादसे हुए थे तो यू नो एज एज अ वे टू रिस्पेक्ट वो सब एरिया को वो लोगों ने प्रिजर्व कर दिया काफ़ी हद तक आ, लेकिन टूरिस्ट के लिए अभी भी कुछ एरियाज़ में खुला रखा हुआ है कि भाई तो आप बाहर से देखो अंदर आपको जाना नहीं था जहाँ पर भी हॉन्टेड था तो वो चीज़ मेरे लिए एक अलग एक्सपीरियंस थी उसके बाद वहाँ पर एक छोटी सी मार्केट थी जहाँ पर नेपाली बहुत थे आ, एस्टोनिया में एस्टोनिया में और फिनलैंड में नेपाल नेपाली लोग बहुत हैं तो वहाँ पर रेस्टोरेंट्स में इंडियन रेस्टोरेंट करके सर्च किया मेरे को नेपाली रेस्टोरेंट्स आ रहे थे सारे तो उन्होंने बोला ठीक है ये भी एक चीज़ है सेम चीज़ हाँ तो आ, फिर एस्टोनिया से जो मैंने वो ली आ, फेरी फेरी बोलते हैं लेकिन वो पूरा क्रूज़ है ओके तो एस्तोनिया से आपको फिनलैंड तक ढाई घंटे की वो जो क्रूज़ है तो जिसके अंदर टेवन से नाइन लेवल्स कुछ है ठीक तो है बढ़िया सा आप उसमें क्रूज ही है वो वो है, है उसको फेरी बोलते हैं वो लोग उधर पता नहीं क्यों बोलते हैं लेकिन उसकी जो टिकट थी टिकट उसकी थी थर्टी यूरो की टिकट थी मतलब पचास डॉलर ढाई हज़ार रुपये की टिकट थी तो ये कंट्री से वो कंट्री वो पासपोर्ट चेक किए कि भाई आप उधर जा रहे हो उधर का वीज़ा तो है ना हाँ है वीज़ा है देख लो तो देख ले कर फिर एंट्री दे दिए लेकिन वहाँ पर बढ़िया सा बिंदास घूमो फिरो पूरा फेरी में शॉपिंग वॉपिंग करो पूरा मॉल ले घूम रहे हो एक हिसाब से अब क्रूज़ है ना पूरी तो वहाँ पर आपको कसिनो है अंदर कसिनो के अंदर आप सारे गेम्स वेम्स खेल सकते हो पोकीज ये वो आ, फिर उसके बाद आपके उधर डेक एरिया था जहाँ पर आप सन सन देख सकते हो मतलब ओशन का आ, वहाँ पर सन तो ज़्यादा कमी होता है और मेजोरिटी uh, तो वो ओशन भी फ्र, फ्रोजन था पूरा जिधर आपको वो पूरे ऊपर की लेयर फ्रीज हो जाती है ना जिधर पतली वाली हाँ आ, वैसा तो पतली वाली वो लगी हुई थी उसमें से हम गुजरते हुए गए और बहुत वो एक बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस था और yes. पैसा उसमें बर्थ था फिनलैंड के अंदर भी जो एस्तोनिया में थी वह वहाँ से काफ़ी सिमिलर है फिनलैंड भी वही नेपाली वहाँ पर ज़्यादा है और फूड डिलीवरीज ये सब सब नॉर्मल वेस्टर्न कंट्री जैसा था वो तो वो भी अच्छा था एक्सपीरियंस वहाँ पर जगह जगह बर्फ़ जम के वो पिघल रही थी बर्फ़ क्योंकि वो जो सीज़न हम लोग गए थे उधर पिघलने वाला सीज़न था तो रोड पर बड़ी गंदगी होती है बर्फ़ से क्योंकि वो बर्फ़ पिघल के और आपके कपड़ों वपड़ लग जाए तो फिर क्योंकि वो गंदी बर्फ होती है ना हाँ क्योंकि वो सूख के पूरी वो हो गई ना वो मतलब समझ गया तो वहाँ पे मतलब एक्सीडेंट्स वगैरह नहीं देखे जैसे बर्फ़ में गाड़ियों की ब्रेक नहीं लग रही है था 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 नहीं उनके गाड़ियों में वो ऐसा कीले जैसे लगे होते हैं जो बर्फ के लिए होते हैं क्या बोलते हैं उसको कुछ भी होगा वो ब्रेकिंग सिस्टम स्पेशल लगे हुए होते हैं कि वो ज़्यादा ग्रिप मिले उनको ओके तो फिनलैंड के बाद गए आप इंडिया हैं हाँ स्पाइक जैसे लगे होते तो फिनलैंड के बाद अब गए इंडिया हाँ फिनलैंड के बाद इंडिया गए भाई इंडिया तो अपना देश महान और भारत माता की जय जय भारत वंदे मातरम ठीक है इसमें क्या बोलने का नहीं मतलब तू जिन चल हाँ मतलब तू ऐसा कुछ है नहीं चल अब मेरे को ये बता कि जैसे तू इतनी कंट्रीज घुमा ना यूरोप भी गया दुबई भी गया और इंडिया भी गया इंडिया, भी गया, इंडिया तो हमारी कंट्री है ठीक है तो तेरा कोई जैसे वर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ हो स्पेशली इमिग्रेशन पे इमिग्रेशन वाले तो चुल्ल करते हैं इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस नहीं मैं वर्स्ट एक्सपीरियंस मैं बोलूँगा एयरलाइन के साथ जॉर्डन एयरलाइन रॉयल जॉर्डेनियन करके एयरलाइन है एक तो उनका स्टाफ जो था उनको नॉलेज नहीं थी कि वीज़ाज़ वगैरह क्या होते हैं मैं दुबई से मेरा इंडियन पासपोर्ट लेके जिसके अंदर वीज़ा था यूरोप का मैं चला गया वो लोग मेरे को इतने क्वेश्चंस किए तो वे वे यू कमिंग फ्रॉम मतलब ऑस्ट्रेलिया तो बोलता था वर्ल्ड ही है तो, ना कि दुबई भी टूरिज़्म करने आए हैं हम लोग अच्छा तो ये वीज़ा किधर का है तो यूरोप का तो अच्छा ये तो लेकिन फ्लाइट तो इटली जा रही है तुम्हारा वीज़ा ऑस्ट्रिया का है आ, मैं बोला कि हाँ ऑस्ट्रिया में जाऊँगा ना उसके बाद ऑस्ट्रेलिया तो की टिकट ऑस्ट्रिया की टिकट दिखाओ मेरे पास थी टिकट मैं टिकट दिखाया तो अच्छा टिकट देख के नहीं ये तो समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारा नाम ऐसा क्यों लिखा हुआ है मैंने बोला ऐसे ही है भाई वीज़ा में सही है तो ना अच्छा ओके तो एक्चुअली हमको अपने सुपरवाइज़र को बुलाना पड़ेगा तो मैं बोला बुला लो भाई मेरे को क्या तो यार सुपरवाइज़र को बुलाया मेरे को पता क्या लगता है उनको ये लगा होगा कि जब तू जैसे यूरोप में घुस रहा है कोई इंसान पासपोर्ट पे कैसे घुस सकता है बाकी सब तो डंकी मार के जा रहे हैं ये इसलिए पकड़ाते रहे क्योंकि तू सले पासपोर्ट पे क्यों जा रहा है नहीं नहीं ऐसा उनका होता है कि कुछ कंट्री के पासपोर्ट्स के लिए स्पेशल वो लोग चेक करने पड़ते हैं उनको क्योंकि मतलब जैसा इंडिया हाई पे पर ये बहुत लोग जाकर टिक जाते हैं ये वो तो उनके लिए एयरलाइन वालों ने स्पेशल वो बनाए हुए हैं प्रोविजन कि भाई ये सब चेक करो इसका रिटर्न टिकट भी चेक करो कि वापस कब आ वा रहा है ये वो तो अगर उनको गड़बड़ लगती है तो वो लोग बोर्ड करने नहीं देते क्योंकि उनके एयरलाइन का नाम खराब हो जाता है ओके तो फिर आगे क्या हुआ सुपरवाइजर क्या बोलते तो सुपरवाइजर आई सुपरवाइजर आके बोली यही तो सजन भी जाते दे है उसको तो बोली वो क्या रहता है तो उसको खुद ही पता नहीं ट्रेनिंग नहीं है उसकी तो फिर वो सुपरवाइजर रुक मैं करती हूँ फिर वो प्रोसेस करी Uh, करके फिर उसके बाद प्रोसेस करके वो वीज़ा दिखाओ उधर का नहीं टिकट दिखाओ ऑस्ट्रिया की बोला टिकट ये लो उन्होंने तो टिकट देखी कि हाँ यू आर गोइंग टू ऑस्ट्रिया ओके रिटर्न टिकट फिनलैंड की हाँ तो अच्छा ओके यू गोइंग टू इंडिया ओके फिर उसके बाद वो करके स्टैंप करके वो बोर्डिंग पास दे दी पर वो ये टाइम खुद खोची, खोची करते हैं हाँ। तेरा कुछ ऐसा नहीं हुआ कि जैसे इतना बैग बुक चेक कर लिया तेरे को अलग कमरे में गए तेरी शक्ल देख के कि हाँ ये साला कुछ तो गलत लग लगा नहीं भाई मेरा नाम नवजोत नहीं है ना मो है, मो है। <laughs> नहीं भाई वैसे न... <laughs> नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। नाम मे... नहीं होते है। मेरे को इधर रोका था रुको कौन सी खतरे, खतर के एयरपोर्ट पे कतर 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 नहीं बोलते हैं खतर होता है आदमी ऑडियंस चिप करें <laughs> तो खतर एयरवेज के जो एयरपोर्ट था एयरपोर्ट में वो क्या किए थे कि मैं अपना बैग स्कैन किया मेरे वाले बैग में वा सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान थे जैसे चार्जर्स केबल्स पावर बैंक्स ये वो तो मैंने डाला तो वो लोगों ने बैग वो चेकिंग करने के लिए रोक लिया कि भाई भई बैग चेक करते हैं इसका तो मैं बोला कि तो सो मनी इलेक्ट्रॉनिक्स तो मैं बोला भाई मतलब तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है मैं मतलब मैकबुक लेके घूम रहा हूँ अपना आईपैड है ये उसके सारे चार्जर्स वगैरह है वॉच के अपना चार्जर है सारे केबल्स वगैरह हैं उसमें तो वो चेक करके बोला हाँ ठीक है फिर जाओ तो ना भाई ये क्या चेक करने वाली चीज़ थी उसमें तो कुछ था भी नहीं तो जैसे इंडिया में हम लोग जब जाते हैं तो मेरे को पता है ना वहाँ पे थोड़ा ना इमिग्रेशन वाले वो अटपटे से क्वेश्चन पूछते हैं कि गिरा लिया नहीं पीना आता पानी ये नहीं वो पूछते इसको कह रहा हूँ मैं तो वो जैसे पूछते हैं कहाँ से आ रहे हो जब उनको पता है कि फ्लाइट ये वाली है ये ये पासपोर्ट पर टप्पा है क्यों गए थे वहाँ वापिस <laughs> जाओ अरे भाई ठीक है अब क्यों आए अरे भाई घर है मेरा यार मैं आऊँगा ना वहाँ मैं काम करता हूँ या कुछ भी है अरे तेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं ऐसा तो ऐसा नहीं हुआ लेकिन वही पर्पज़ पूछते हैं क्या कर रहे हो तो मामला की बात जॉब है उधर तो ओके करके फिर वो ठाप करके दे दिए एक था एयर बाल्टिक ठीक है एयर बाल्टिक में किधर था पता है वो वो था ऑस्ट्रिया के एयरपोर्ट पे तो एयर बाल्टिक का जो स्टाफ था वो लोग मैं जब उधर गया तो वो लोग क्या किए कि मेरे नाम का कोई और बंदा भी था उधर ठीक है तो वो बोले कि तुमने तो टिकट में अपना बैगेज नहीं लिया है मैं बोला मैंने तो लिया है बैगेज क्या मेरा तो है बीस किलो वो बोले कि हाँ लेकिन तुम्हारे वाले में तो बैगेज नहीं है तो वो बोला फिर वो मेरी टिकट है, <laughs> <laughs> तो है ही नहीं मेरी टिकट देख नहीं तो वो टिकट है ही नहीं मेरी तो फिर वो चेक करी यहाँ करके एकदम रूड बिहेवियर किया उसने क्योंकि वो बाल्टी के लोग थोड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं तो हाँ वो चीज़ थी तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा वो और आ, उनके एयरलाइन का जो स्टाफ भी था बहुत गंदा था वो लोग वहाँ पर दो तीन काले लोग बैठे हुए थे उनके साथ बड़ी बदतमीजी कर रहे थे वो लोग रेसिस थे मतलब यूरोपियंस का है थोड़ा वो हाँ। कि करते हैं वो ठीक है तो तेरे को ऐसा लैंग्वेज का कोई चक्कर नहीं पड़ा तू अगर कहीं गया पूरी वो जो काले थे ना वो काफ़ी हाइट वाले थे तो वो लोगों ने इमरजेंसी रूम में बुक कर ली थी क्योंकि ज्यादा बैगरूम लेक है लेकिन उनको इंग्लिश थोड़ी कम आती थी मतलब सूडान वगैरह पता नहीं कहाँ से आ रहे थे तो वो बड़ी कॉन्डिसेंडिंग उन लोगों को बता रही थी कि भाई तुमने ये बुक करी है तो मैं ये बताऊंगी तो वो कुछ पूछा रहा था नहीं, नहीं पहले सुन तू वो पूछ रहा कि ये वाली लाइट कैसी मतलब है मतलब इधर से करनी है उधर तबाह तो थोड़ी वो बदतमीजी हो रही थी ना कि उस तरह से तो मेरे को अच्छा नहीं लगा वो देख और क्या पूछ रहे थे मैं ये पूछ रहा था मतलब ओवरऑल तेरा एक्सपीरियंस क्या सर मतलब जो तूने ट्रिप करी जितनी भी ठीक है तो क्या सीन है करा कि नहीं बहुत अच्छा है भाई यूरोप में जाके आना है मतलब किस्मत वाली चीज़ है कि भाई वीज़ा लगना ये सब और अच्छी सी फाइल बना के अब डालो तो आपको भी शायद लगे लेकिन मेजोरिटी इंडिया से अगर डालोगे तो रिजेक्ट होते हैं ओके आ, बहुत हाई रिफ्यूजल रेट है उसका नहीं मिलता किसी को भी अनलेस आप ओल्ड हो और आपके पास पैसा है तो फिर मिल जाएगा

ठीक है वो वो है, जो आज हमारी प्रोडक्शन देख रहा है वो है कनीश कपूर ठीक है लाइट बड़ी सर हाँ, हाँ तो यूएस का प्लान कर रहे हैं तो होएगा फ्यूचर में फिर यूएस की सीरीज इंशाल्लाह सब पूरा होगा फर्स्ट टाइम इन यूएस शाह <laughs> इन से चलो ठीक है थैंक यू सो मच आपने बढ़िया थैंक यू मच और कुछ बताना चाहेंगे आप हमारी ऑडियंस को नहीं ट्रैवलिंग करनी चाहिए भाई लेकिन इतनी भी ट्रैवलिंग मत करो कि आपके पास पैसा ना बचे तो बी रेस्पॉन्सिबल कोई दूसरा ये यूट्यूब पे देख के उसका कॉपी मत करो जब तक आप डॉलर में नहीं छाप रहे डॉलर में खर्चा मत करो ठीक है गुड गुड एडवाइस थैंक यू चलो ठीक है थैंक यू सो मच लव यू ऑल बाय बाय